क्लास नाइन्थ में चैप्टर टू एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 5 थर्ड पार्ट आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पी ऑफ एक्स हमें दे दिया, एक तरह से पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, हम पी ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे, चेक करेंगे एक्स की जगह 1 रख के कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा देखो खास बात क्या है, जब सारी प्लस में है तो आप 1 मत करो, क्यों, कैंसिल वैंसिल तो होगा ही नहीं, 0 होगा ही नहीं। जब सब प्लस में तो माइनस वाली कोई टर्म लो, जैसे -1 लेके चेक कर लो, तो -1³ प्लस 13 -1² प्लस 32 -1 प्लस 20, तो -1³ -1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये 13 रह जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 32 और प्लस 20, प्लस वाली टर्म 20 प्लस 13 33 और ये माइनस माइनस ये भी 33, तो आ गया 0। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू -1 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल एक्स, एंड ये -1 इधर आएगा तो एक्स प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये फैक्टर हो गया आपका। तो सबसे पहले तो आपको एक फैक्टर फाइंड आउट करना है इसी मेथड से। सारे प्लस में तो आप +1 +2 +3 प्लस वाली कोई टर्म लेट मत करो, माइनस वाली लेट करो। -1 करते ही हमारा काम हो गया, -1 ठीक हुआ तो x इज इक्वल टू -1 इधर आएगा तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर आ गया। अब डिवीजन करना है, डिवीजन सीखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो। नाउ डिवाइड पॉलिनोमियल x बाय x प्लस 1। अब डिवाइड करेंगे हम, हमारे पास क्या है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 और इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। फर्स्ट टर्म क्यूब है x³, इधर हमारे पास फर्स्ट टर्म x है, कैंसिल करके x² आएगा, तो यहां ऊपर सबसे पहले x² रखेंगे। सब में एक ही तरह से मेथड है, कोई अलग नहीं है। फिर ये जो दोनों टर्म है, 2 हैं 3 हैं या 4 हैं, जितनी भी टर्म है सबको x² से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। एक्स इंटू x² x³, 1 × x² 1x² प्लस है तो यहाँ प्लस। अब क्या करेंगे माइनस, और माइनस ये कैंसिल, 13x² -1x² 12x² ऊपर से प्लस 32x प्लस 20। अब क्या है फर्स्ट टर्म 12x² और इधर फर्स्ट टर्म क्या है x है, कैंसिल करके आएगा 12x सिर्फ, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे प्लस में 12x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12x² प्लस में 12x, ये आ गया माइनस और माइनस कैंसिल, माइनस किया तो 20x प्लस 20। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, बहुत आसान है, दोनों को करेंगे तो 20x प्लस 20, माइनस माइनस कैंसिल 0, डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया। देयरफॉर अब हमें पता क्या लगा, इससे हमें ये पता लगा कि ये जो पूरा हमारा बड़ा सा पॉलिनोमियल था x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, किन दो का मल्टीप्लीकेशन है, ये इन दो का मल्टीप्लीकेशन है, इसका और इसका, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ शो कर दो x प्लस 1 का और x² प्लस 12x प्लस 20। और मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से इसके मिडल टर्म स्प्लिट कर दो, 20 है तो 10 प्लस 2, मैं सीधा लिख दूं, चलो खोल के लिख देते हैं x² वैसे आएगा x प्लस 10x प्लस 2, x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और इन दोनों में से x कॉमन तो x प्लस 10, इन दोनों में से 2 कॉमन तो x प्लस 10 और ये इस तरह से, फिर x प्लस 1 और आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 10, ये ब्रैकेट हटा दो और ये आपका आंसर आ गया, 3 फैक्टर्स हो गए। ध्यान रखो क्यूब है तो 3 फैक्टर होंगे, स्क्वायर है तो 2 होंगे, क्लियर। क्वेश्चन 5 फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमें देखना। फोर्थ पार्ट हमारे पास है पी ऑफ वाई, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई आपको दे दिया, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, लेट y इक्वल टू 1, तो पी ऑफ -1 इक्वल टू 2 − 1³ प्लस −1² माइनस 2 ऑफ -1 −1, तो −1³ माइनस ही रहेगा, तो -1 × 2 −2
प्लस वन प्लस टू और माइनस वन, तो माइनस टू से प्लस टू, वन से माइनस टू, जीरो। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज ए फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ वाई, वाई इक्वल टू माइनस वन, एक्स नहीं है इस बार हमारे पास, पॉलिनोमियल वाई। एंड ये माइनस वन इधर आएगा तो वाई प्लस वन इज अ, ये जीरो आएगा ऊपर, या ये जीरो है, इज ए फैक्टर। अब हम फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर ऑफ पी ऑफ वाई। अब डिवाइड कर देंगे पॉलिनोमियल को किससे, वाई प्लस वन से, टू वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन को डिवाइड करेंगे वाई प्लस वन से, फिर टू वाई क्यू अपॉन वाई, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या आया टू वाई स्क्वायर, तो ऊपर लिखना हमें टू वाई स्क्वायर, फर्स्ट को इससे करेंगे तो टू वाई क्यूब, वन को इससे करेंगे तो टू वाई स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन, ऊपर से नोट उतार लिया हमने। फिर दोनों टर्म्स का क्या किया, फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से यानी माइनस वाई स्क्वायर से वाई से किया तो माइनस वाई आया, ऊपर माइनस वाई लिखेंगे अब हम, तो दोनों को करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई, प्लस और प्लस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, टू वाई में से वाई माइनस वाई, बड़े के सामने माइनस तो माइनस माइनस वन। फिर हम फर्स्ट टर्म माइनस वाई, इधर फर्स्ट टर्म और इधर फर्स्ट टर्म वाई करके देखेंगे तो माइनस वन आएगा, तो ऊपर माइनस वन रख दो, तो माइनस वाई इसको इससे करेंगे माइनस वाई, वन को इससे करेंगे माइनस वन, प्लस प्लस कैंसिल कैंसिल जीरो, यस खत्म। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस वन इक्वल टू वाई प्लस वन, और टू वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस वन। अब इसके फैक्टर वाई प्लस वन और टू वाई स्क्वायर माइनस वाई, तो टू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस में वाई माइनस वन, वाई प्लस वन टू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई, दोनों में से कॉमन टू वाई, और बचा क्या, बचा हमारे पास यहाँ y और यहाँ माइनस वन, वाई माइनस वन, इन दोनों में से कॉमन वन, बचा क्या y माइनस वन, तो एक साथ लिख लो y प्लस वन दो ब्रैकेट एक साथ y माइनस वन, बचा क्या टू वाई प्लस वन, टू वाई प्लस वन, ये आपका आंसर है, क्लियर है। अब इसी तरह के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स्ट्रा में 16r क्यूब माइनस 6r स्क्वायर माइनस 56r प्लस 21, तो ये p ऑफ r हो जाता है। r इक्वल टू हम लेट कर ले 1, p ऑफ 1, तो 16 1 क्यूब माइनस 6 1 स्क्वायर माइनस 56 1 प्लस 21, 16 माइनस 6 माइनस 56 प्लस 21, 16 प्लस 21 37 माइनस 62 नॉट इक्वल टू जीरो है ही नहीं सॉल्व करने से, हम p की जगह 2 रख लें, तो 16 2 क्यूब माइनस 6 ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 56 इंटू 2 प्लस 21, सॉल्व करके देखते हैं, 2 की क्यूब 8 16 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर 4 माइनस 56 इंटू 2 प्लस 21, तो हम क्या कर रहे हैं सॉल्व कर लेते हैं, वन ट्वेंटी एट माइनस 24 माइनस 112 प्लस 21, 128 प्लस 21 149 माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 136 13 नॉट इक्वल टू जीरो, पी 3 रख के सॉल्व करके देखते हैं 16 3 क्यूब माइनस 6 3 स्क्वायर माइनस 56 इंटू 3 प्लस 21, 16 3 क्यूब 27 माइनस 6 3 स्क्वायर 9 माइनस 56 इंटू 3
168 प्लस 21, 27 इंटू 16 1432 माइनस 54 माइनस 168 प्लस 21, ये ज्यादा हो गया, ये जीरो के इक्वल होगा ही नहीं, ये बहुत बड़ा नंबर आ गया है। देखो इस तरह का क्वेश्चन हो, अगर एक्स क्यूब प्लस 8 इक्वल टू जीरो, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी लगेगी, ए की जगह एक्स और बी की जगह टू है, तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर दो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से सपोज ये 12th क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 एक्स क्यूब प्लस 27, तो ये भी हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में 3 क्यूब, और सेम आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी एक्स प्लस 3 और ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 3x और प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ये आपका आंसर आ गया। दूसरी आइडेंटिटी इसी तरह के क्वेश्चन पे जो लगेगी वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, तो इसके फैक्टराइज होंगे, क्लियर है। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन था आपका 16r क्यूब माइनस 6r² माइनस 56r प्लस 21, तो इसमें डायरेक्ट पेयर बन रहे हैं, पहले दो का पेयर और लास्ट दो का पेयर, ये क्वेश्चन में फर्स्ट दो के पेयर में 2r² कॉमन ले लो तो क्या बचा 8r माइनस 3, लास्ट टू में माइनस 7 कॉमन ले लो तो 8r प्लस में से माइनस कॉमन तो माइनस 3, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, एक साथ लिख लो 8r माइनस 3 और बाकी क्या बचा 2r² माइनस 7, 2r² माइनस 7, तो ये आपका आंसर है, फैक्टर हो गया, पेयर में से आपने कॉमन ले लिए और फैक्टर कर लिए। अब ये क्वेश्चन है 42x³ प्लस 24x² प्लस 49x प्लस 28, तो पहले इन दोनों में से 6 कॉमन ले लो, 6 के साथ x² भी कॉमन ले लो, तो 7x प्लस में 4 और प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो 7 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 4, दो ब्रैकेट एक साथ हैं उन्हें लिख लो, बाकी जो बचे उन्हें लिख लो, 6x² प्लस में 7 और 7x प्लस में 4 आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन इसी तरह से 21n² माइनस 3n² माइनस 35n प्लस 5, फर्स्ट टू में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, n स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये क्यूब है, तो मेरे पास बचा 7n माइनस 1 माइनस लास्ट टू में से मैंने 5 कॉमन लिया तो मेरे पास बचा अंदर 7n माइनस प्लस में से माइनस तो माइनस 5 माइनस 1, तो 7n माइनस 1 एक ब्रैकेट है, बाकी क्या बचा 3n² माइनस 5 वो दूसरा ब्रैकेट है, तो ये मेरे दोनों फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो इन क्वेश्चंस का और इसे फिर सॉल्व करना इसी तरह से, इन्हें और इन्हें।